स्पेशल लंच टाइम बुलेटिन। 22 सितंबर को अमेरिका के ह्यूस्टन में 50,000 भारतीयों को संबोधित करेंगे पीएम मोदी, साथ आ सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप। भारत और अमेरिका के बीच चल रही है बातचीत। पाक को राजनाथ की सख्त चेतावनी, बंद करो आतंकवाद वरना हो जाओगे टुकड़े टुकड़े। राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत के अल्पसंख्यक सुरक्षित थे, सुरक्षित हैं और सुरक्षित रहेंगे। भारत जाति या धर्म के आधार पर लोगों को नहीं करता विभाजित। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू और गजेंद्र शेखावत ने की द ग्रेट गंगा रन की शुरुआत। युवाओं से लेकर बुजुर्ग और महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि मैराथन से जुड़ने के लिए 20,000 से ज्यादा लोगों ने कराया था रजिस्ट्रेशन। कश्मीर में बौखलाए आतंकियों ने लगाई सेब के बागान में आग, एक्शन में सेना। केंद्र सरकार के कदम से बौखलाए आतंकी कश्मीर के लोगों में भय पैदा करने की कर रहे हैं कोशिश। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में एनकाउंटर में 2 नक्सली ढेर, सर्च ऑपरेशन जारी। गढ़चिरौली जिले की कोरची तहसील में नारेकसा जंगल में हुई है मुठभेड़। नितिन गडकरी ने माना इकोनॉमी के लिए बुरा दौर, बोले कभी खुशी कभी गम, परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुश्किल वक्त गुजर जाएगा। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने की पाकिस्तान की तारीफ, कहा मैं पाकिस्तान गया तो मुझे वहां मिला सत्कार। पाकिस्तान की वास्तविक स्थिति जाने बिना भारत में शासक वर्ग राजनीतिक लाभ के लिए फैला रहा है झूठी बातें। आरजेडी समर्थकों के लिए खुशखबरी, लालू यादव की सेहत में सुधार, काम करने लगी 60% किडनी। रांची के राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के प्राइवेट वार्ड में भर्ती हैं आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, तबीयत में हो रहा है सुधार। रानू मंडल का खुलासा, सलमान खान ने नहीं दिया मुझे 55 लाख का फ्लैट। बीते दिनों ये चर्चा थी कि रानू मंडल का गाना सुनकर सलमान खान बहुत इमोशनल हो गए थे और उन्होंने रानू को 55 लाख का फ्लैट गिफ्ट किया है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहला T20 मैच आज। विराट कोहली की अगुवाई में आज से धर्मशाला में 3 मैचों की T20 इंटरनेशनल सीरीज के साथ वर्ल्ड T20 खिताब को हासिल करने की कोशिश में जुटेगी भारतीय टीम। अब इमरान को सता रहा भारत से हार का डर, बोले जंग हुई तो जीत मुश्किल। इमरान खान ने कश्मीर मसले को लेकर परमाणु युद्ध होने के आसार जताते हुए स्वीकार किया है कि भारत के साथ पारंपरिक युद्ध हुआ तो हार सकता है पाकिस्तान। देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी और बड़ी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें जिस न्यूज, और किसी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें।